तो पुष्पा मूवी जिस जिस बंदे ने देखी होगी भाई, उसने यही सुना होगा कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। और पार्ट टू आ रही, तो उसमें देख रहे हैं कि पुष्पा इतना ज्यादा झुक गया है कि भाई औरत बन के घूम रहा है। और पुष्पा रिलीज होने के बाद सब लोग पुष्पा बनना चाह रहे थे। अब पुष्पा टू का जो टीजर आया, उसके बाद से मैंने एक भी कमेंट नहीं देखा कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, या कोई पुष्पा नहीं बनना चाह रहा, क्योंकि पुष्पा बनने के लिए भाई उसको बनना पड़ेगा औरत, तो औरत नहीं बनना चाहता कोई यहाँ पे भाई। ये अल्लू अर्जुन है, कुछ भी कर सकते हैं, और इनके फैंस भी इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, औरत भी बन सकते हैं। हो सकता है ये मूवी रिलीज होने के बाद बहुत से लोग साड़ी पहन के सड़कों पे घूमे और पुष्पा झुकेगा नहीं साला करेंगे। तो पुष्पा टू का टीजर देखने के बाद क्या आपका भी मन साड़ी पहनने का कर रहा है? क्या आपका भी मन साड़ी पहन के किसी को मारने का कर रहा है? तो जरूर साड़ी पहन के किसी ना किसी को मार सकते हैं, क्योंकि अब तो भाई अल्लू अर्जुन ने साड़ी पहन ली, तो अल्लू अर्जुन के फैंस भी पहन ही सकते हैं। वैसे टीजर को देखने के बाद मेरे को कांटारा मूवी की याद आ गई, क्योंकि कांटारा में कुछ ऐसा ही था, ऐसा ही डिवोशनल कुछ जोड़ा गया था उसमें। बट इस टीजर में भी कुछ ऐसा ही जोड़ने की कोशिश करी है, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं से टॉलीवुड के दिमाग में बहुत ज्यादा आजकल बॉलीवुड जैसे ख्याल आ रहा है, जो कॉन्टेंट ज्यादा चला उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे फैन बेस थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाता है। इस टीजर को बड़ी चालाकी से रिलीज किया गया है इन लोगों ने, कि कोई भी आंकड़ा इसका न लगा पाया कि इसकी स्टोरी क्या होगी, आगे क्या होने वाला है इस मूवी के अंदर। बस छोटी सी एक क्लिप दिखाई जिसमें अल्लू अर्जुन जो है वो साड़ी पहन के मारते हुए दिखाई दे रहे हैं लोगों को, उसके बाद टीजर का एंड हो जाता है। और बाकी थोड़ा बहुत अगर कुछ समझ में आएगा तो वो ट्रेलर के रिलीज होने के बाद समझ में आएगा। वैसे थोड़ा बहुत आंकड़ा लगा सकते हैं कि अल्लू अर्जुन का जो पिछला जन्म दिखाया जा रहा है, क्योंकि भाई जिस हिसाब से पुष्पा वन के अंदर इनका कैरेक्टर दिखाया गया था, उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि वो साड़ी पहन के किसी को मारते हुए दिखेंगे, क्योंकि वो वाले पुष्पा में और ये वाले पुष्पा में बहुत ज्यादा फर्क है। वो वाला पुष्पा कभी झुकता नहीं है और साड़ी तो बिल्कुल ही नहीं पहनेगा। वैसे टीजर को देखने के बाद ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ यूनिक करने की कोशिश की गई है। वैसे तो अल्लू अर्जुन हमेशा से कुछ ना कुछ यूनिक करते ही रहते हैं, तो इस टीजर के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक देखने को मिला, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ऐसा कुछ यूनिक देखने को नहीं मिलता है। तो टीजर छोटा ही था बट मजेदार था, उसको देखने में काफी अच्छा लगा, काफी अच्छी हाइप आई और यूनिकनेस कुछ देखने को मिली। आई होप हो सकता है इसी तरह से मूवी के अंदर भी कुछ ना कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। तो जिस तरह टीजर को देखने के बाद मजा आया था, उसी तरह मूवी को देखने में भी उतना ही मजा आएगा। तो अभी के लिए तो इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कुछ ना कुछ और नया आता है उसको लेके आते हैं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ।